हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर यूजफुल वीडियोस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाडली बहना योजना की जो 16वीं किस्त है वो कितनी राशि डली है बहनों के खाते में, वो कब डली है, या आप अपने मोबाइल फ़ोन या सिस्टम से कैसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं। सिंपली इस वीडियो का शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा, आपको पूरी प्रोसेस एक ही वीडियो में समझ में आएगी। सिंपली सबसे पहले आप कौन सा एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, उसमें आप सर्च कर लीजिए लाडली बहना योजना। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर देख लीजिए, पहली वेबसाइट है मध्य प्रदेश लाडली बहन जन कल्याण योजना, लाडली बहना। सिंपली इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर थोड़ा पेज रिडायरेक्ट किया जाएगा, आपको वेबसाइट पर थोड़ा ट्रैफिक की वजह से लोड है या फिर नेटवर्क का इशू भी हो सकता है, तो वेट कीजिए। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। यहाँ पर आपको लॉगिन पेज डैशबोर्ड, अब स्क्रॉल कर नीचे आइएगा, यहाँ पर कुल प्राप्त आवेदन, प्राप्त आपत्ति आवेदन, कुल आवेदन और दस्तावेज प्रक्रिया, यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया और योजना के उद्देश्य, आवेदन की प्रक्रिया, ये सारी जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है। अगर आप इस पर एक वीडियो अलग से चाहते हैं तो हम वो भी बना देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर अंतिम सूची और लाभ प्रगति आप देख सकते हैं। हम चेक करने वाले हैं किस्त आई है या नहीं 16वीं, हम सिर्फ सेकंड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पंजीकृत महिला का यूज़र आईडी, पंजीयन क्रमांक या फिर समग्र आईडी देना है, कैप्चर कोड आपको यहाँ पर टाइप करना है। सिंपली सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, वो ओटीपी यहाँ पर टाइप करेंगे और खोजे पर क्लिक करेंगे। हमारे पास अगर आवेदन नंबर नहीं है, सिंपली हम ब्राउज़र में सर्च कर लेंगे समग्र आईडी, यहाँ से कस्टमर का या फिर उसी महिला का जिनका आप देखना चाहते हैं समग्र आईडी भी टाइप कर लीजिए। यहाँ से निकाल कर आप देख पाएंगे पंजीयन नंबर, हम समग्र से देखना चाहते हैं, हम समग्र टाइप करेंगे, समग्र पोर्टल खोलेंगे, वहाँ से हम फैमिली आईडी निकाल कर ही कस्टमर की आईडी निकाल पाएंगे। सिंपली आप आ जाइए समग्र पोर्टल पर, यहाँ पर देखिए प्रिंट ऑफ फैमिली समग्र कार्ड, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको परिवार आईडी डालने का ऑप्शन है, यहाँ पर आप परिवार आईडी टाइप करेंगे, 8 अंकों की कैप्चा कोड यहाँ पर देंगे और प्रिंट समग्र कार्ड पर क्लिक करेंगे। प्रिंट फैमिली कार्ड पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर पूरी परिवार आईडी आ जाएगी, जो भी कैंडिडेट है उनकी आईडी आप कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी टाइप करेंगे, खोजे पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट की आईडी, परिवार आईडी, आवेदक का नाम, जन्म तारीख, वर्ग, लिंग, वैवाहिक स्थिति, मुखिया से संबंध, मुखिया का नाम, कुल जीवित बच्चों की संख्या, कुल पुत्रियों की संख्या, कुल पुत्रों की संख्या, कैंडिडेट की फ़ोटो और आधार फोटो दिखाई देगी। अब जैसे ही नीचे आते हैं, ई KYC आधार स्थिति सत्यापन भी बना दिखाई दे रहे हैं आपको, हाँ है, बैंक में आधार की स्थिति यहाँ पर हाँ है, DBT सक्रिय है, यहाँ पर जिला, पंचायत, जोन, वार्ड, पता, पिन कोड। फिर अब जैसे स्क्रॉल कर नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई देंगे और यहाँ पर घोषणा पत्र जो आपने आवेदन किया था, जब ये थे जो क्वेश्चन, वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप त्रुटि भी यहाँ से चेक कर पाएंगे, या इस पावती को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। सिंपली अब हम आपत्ति में देखना चाहते हैं, हमारे आवेदन में कोई आपत्ति तो नहीं, यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं पाई गई है। अब हम भुगतान की स्थिति देखना चाहते हैं, जैसे और पहली भुगतान हुई थी, एक फर्स्ट भुगतान वर्ष 2023 मई के माह में 1 रुपये हुआ था ट्रांसफ़र कैंडिडेट के अकाउंट में, आप देख लीजिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर। उसके बाद अगस्त महीने में 2 ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसमें 1250 रुपये से लगभग 250। फिर अगस्त महीने में एक बार आप दोबारा देख पा रहे हैं 2 ट्रांसफ़र हुए हैं। सिंपली इसी तरीके से आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में सारी किस्त देख सकते हैं। जैसे इसमें 19 किस्त का दिखाया गया है, लेकिन इसमें अगस्त के महीने में 2 बार 2 ट्रांसफ़र हुए हैं। इस मान से अगर हम देखें तो हमारे पास अभी तक की 16 किस्तें आ चुकी है, सितंबर यानी कि 19वीं किस्त दिखाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन 1, 2 से 3 ट्रांजेक्शन ऑलरेडी ऊपर के रहे। सिंपली यहाँ से हमने देखा, आप इसी तरीके से सारी जानकारी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वी आर यूजफुल वीडियो।